दोस्तों क्लोज टेस्ट सीरीज का ये आपका डे फोर, जहां हम लोग आपको सीरियल 2022 में आए हुए क्लोज टेस्ट सॉल्व करा रहे हैं। आज का जो सेट है आपका ये 12 अप्रैल 2022 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आप लोग जाकर देख लीजिएगा, हमने इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है। साथ ही साथ बच्चों हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, जिसकी आईडी है आपकी इंग्लिश अड्डा अंडर स्कोर बच्चों, इसको बोलते हैं अंडर स्कोर, यहाँ पे ऐसे लगाना। और एक और आईडी हमारी है SAURAV सौरभ जैन 8238। यस, तो आप ये दोनों आईडी हमारी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ मैं आपको इसकी वोकेबलरी की PDF और सब चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहता हूँ। ओके दोस्तों, सो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी बात को यहाँ पे आज की। सो ये रहा आपका आज का क्लोज टेस्ट, क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, इन द विलेज एक बूढ़ा व्यक्ति गांव में रहता था। ही वॉज वन ऑफ द डेस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड, ही वॉज वन ऑफ द डेस्ट, सो सबसे ज़्यादा डेस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल था वर्ल्ड का। द होल विलेज वॉज टायर्ड डैश हिम, पूरा गाँव उससे परेशान था। यस, ही वॉज ऑलवेज ग्रूमी, हमेशा उदास रहता था। ही डैश कंप्लेंड एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड, कंप्लेन करता रहता था, बैड मूड में रहता था। द डैश ही लिव्ड द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग एंड द मोर डैश वर हिज वर्ड्स। दोस्तों ये कहानी देख रहे हैं आप लोग, कहानी है भूतकाल की, पास्ट की, क्योंकि बात यहाँ पे लिव्ड आ रहा है, वॉज आ रहा है, सेकेंड फॉर्म आ रही है बार 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 बार, तो इसका मतलब ये पास्ट की कहानी चल रही है। दूसरी बात, ये कहानी आपकी चल रही है एक बूढ़े व्यक्ति की, किस तरह से लोग उससे परेशान हैं और वो खुद भी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस कहानी की क्लोज टेस्ट को, क्या कह रहा है यहाँ पर। कह रहा है कि एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज, लिव्ड यानी कि सेकेंड फॉर्म बच्चों आपकी ये, ही वॉज वन ऑफ द डेस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेट मतलब बच्चों अभागा। अब बच्चों यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि दा रहा हुआ है, वैसे भी बच्चों वन ऑफ के बाद में बच्चों हमेशा दा लगा करके हम लोग मोस्टली सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और साथ में प्लूरल नाउन का भी। तो दोस्तों यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आपकी मेन नहीं है कम से कम। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अटमोस्ट जो है इसका मीनिंग होता है बच्चों अत्यंत, मोस्ट यानी कि डिग्री के साथ अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा, और मैक्सिमम मतलब अधिकतम। तो दोस्तों ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आपके यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले आपको यहाँ पे जिन डिग्रीज का आप लोग सुपरलेटिव या पॉजिटिव नहीं बना पाते हैं उनका हम लोग उनके साथ में मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिनका सुपरलेटिव या कंपेरेटिव नहीं बनता उनके साथ में मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका मोस्ट का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, मोस्ट। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे बढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर बच्चों, ये जो आपका ऑप्शन है ये काम करेगा इस वाले वर्ड से बिलोंग करते हुए, द होल विलेज वॉज टायर्ड डैश, बच्चों टायर्ड के साथ में आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन आया करती है ऑफ, टायर्ड ऑफ मतलब होता है बच्चों किसी से परेशान, किसी से परेशान। तो ही द होल विलेज वॉज टायर्ड ऑफ हिम, तो पूरा गांव उससे परेशान था। यहाँ पे टायर्ड के साथ में ऑफ आ जाएगा, मतलब टायर्ड के साथ में हम लोग विद भी लगा देते हैं, टायर्ड विद मतलब इसका मतलब होता है बच्चों ऊब जाना, लेकिन यहाँ पर विद ऑप्शन में नहीं है और वैसे भी ये यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर आपका नहीं भी आएगा। ही डैश कंप्लेन, तो वो कंप्लेन करता रहता है। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एंड आया हुआ है और एंड के बाद आपका ऑलवेज आया हुआ है। बच्चों मैंने आपको हमेशा बताया है कि एंड बट और का जो रूल है वो ये है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन दोनों तरफ सेम रहना चाहिए। देखिए एंड से पहले आपका सेंटेंस पास में चल रहा है, एंड के बाद ही पास में चल रहा है। आगे यहाँ पे एडवर्ब आया आपका एक, यहाँ पर भी एक एडवर्ब आना है। तो ही मोस्टली कंप्लेन, अधिकतर कंप्लेन करता रहता है। साइक ये आपको जो साइक्लिकली यानी कि बार बार बच्चों साइकिल से बनाया ये वर्ड,
चक्रण, कॉमनली और कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। तो बच्चे यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तो वो लगातार कंप्लेन करता रहता है एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड, और हमेशा वो बैड मूड में रहता है। चलो, द डैश ही लिव्ड, बच्चों ये एक रूल है आपका, कंपेरेटिव डिग्री के बाद अगर आपका देन या टू ना हो तो हम लोग कंपेरेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल कर दिया करते हैं। और बच्चों ये सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह चलता है, द हायर यू गो द कूलर यू फील। सो बच्चों यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, द हायर यू गो द कूलर यू फील, आपको जो स्ट्रक्चर बताया था उसी तरह का यहाँ पर भी द आया हुआ है, तो एक कंपेरेटिव डिग्री आपकी यहाँ पर चाहिए हुए, जो कि है आपकी द लॉन्गर, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गई, ये सुपरलेटिव हो गई, ये इसको नाउन बना दिया गया। यस, तो यहाँ पर द हायर, जैसे कि द लॉन्गर ही लिव्ड द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग, यस, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। एंड द मोर डैश वर हिज वर्ड्स, बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आगे प्लूरल वर्ब आपकी आ रही है वर्ब, तो बच्चों वर आपकी प्लूरल वर्ब है तो आपको इससे पहले प्लूरल नाउन भी चाहिए कोई ना कोई। फेटल माने होता है बच्चों घातक, यस, उसके बाद पॉइजनस मतलब जहरीला, कटुले, कटुले कह रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, कुटीले, हाँ थोड़ा सा जरा हिंदी को थोड़ा सा बोलना ही रहता है, जहरीले। मोर्टल माने भी घातक, यस, और उसके बाद में यहाँ पर टॉक्सिक माने बुरा, तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से बच्चों, वर्ब आपकी प्लूरल है और प्लूरल मुझे नाउन ढूंढना होगा, तो ये सभी आपके सिंगुलर नाउन हैं, इसलिए आपके रेस से वैसे ही बाहर हो जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन बचता है केवल और केवल यहाँ पर कहा जाए तो सेकंड ऑप्शन, यस। हालांकि इसके ऑप्शंस को लेकर के आप यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल भी रहते हैं, यानी कि आप लोग चाहें तो डी भी लगा सकते हैं, डी भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, तो एसएससी में इसके आंसर को लेकर के थोड़ा सा डाउट रहेगा। अब पता नहीं आयोग ने इसको क्या माना होगा, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने इसको दिया है आंसर ये वाला, लेकिन मेरी राय में आप यहाँ पे डी भी लगा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला मैटर हो गया है। सेकंड और फोर्थ दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं करेक्ट। तो गाइस फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।